हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हो आपके सामने लिखा हुआ है ग्रुप थ्योरी। तो आज इस ग्रुप थ्योरी से एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। इस जो ग्रुप आपको दिख रहा है ये एक इसका हम लोग ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल निकालेंगे, मतलब ओडी टेबल। इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम में मिस्टेक करते ही करते हैं, अगर उन्हें प्रोसीडर पता ना हो तो, तरीका पता ना हो तो करने का। जहाँ पे देख रहे हैं टोटल फाइव ग्रुप है, फाइव ग्रुप का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब यू कैन से आप कैसे आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया हुआ है। अब इसका मुझे ओडी टेबल निकालना है बिना मिस्टेक किए हुए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है इतना समय नहीं होता हमारे पास। अगर आप इस ग्रुप का ऑर्डर ओडी टेबल निकालना सीख गए तो आप हर एक ग्रुप का ओडी टेबल निकाल सकते हो इजिली। कि इसमें क्या होता है ना, पांच केसेस है, पांच केसेस है तो आपको अलग अलग तरीके से लेना होता है, तो आपको बहुत सारा मिस्टेक्स होता ही होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब 95% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसको फर्स्ट टाइम में मिस्टेक करते ही करते हैं। तो आपको ऐसा मेथड बताया जा रहा है जो कि आपको बहुत आसानी से, बहुत कम समय में, बिना मिस्टेक किए आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहले तो क्या है कि आप इसको वीडियो पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई करो कि आप निकाल सकते हो या नहीं, उसके बाद प्लीज़ मुझे वीडियो देखिएगा। और अगर आप निकाल लोगे तो आप मुझे बता देना कि आपने निकाल लिया, आपका आंसर यही आया। तो देखिए कैसे निकालते हैं। इसका क्वेश्चन का थीम क्या होगा, कैसे क्वेश्चन को किया जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका सबका अलग 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 निकाल लेंगे ओडी टेबल, ठीक है। अलग अलग ओडी टेबल निकालने के बाद फिर ये दोनों का हम साथ में निकालेंगे, फिर ये दोनों साथ में निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर जो आएगा उससे दोनों साथ में निकालेंगे, उसका दोनों साथ में निकालेंगे। इस तरह से प्रोसीडर चलते जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए जेड टू का निकालना है, जेड टू का क्या होगा, जेड टू का ऑर्डर टेबल क्या होगा, वन ऑर्डर के जानते हैं वन एलिमेंट होंगे, टू ऑर्डर के कितने होंगे वन, तो ये हमारा हुआ जेड टू का। अब यू थ्री पे, यू थ्री का क्या हो जाएगा, वन ऑर्डर के वन एलिमेंट होंगे, इतना हम जानते हैं। ये सब चीज़ तो पता ही है, क्योंकि बहुत छोटा छोटा ग्रुप है, आप पता भी नहीं कर सकते कि आपको देखिए ग्रुप थ्योरी, आप ग्रुप थ्योरी आपने पढ़ा हुआ है तो ये जो ऑर्डर टेबल है आपको पता ही होगा। वन ऑर्डर के वन होंगे, टू ऑर्डर के वन होंगे। अब एस टू में आइए, तो एस टू में क्या होगा, वन ऑर्डर का वन होगा और बाकी टू ऑर्डर का इसमें भी वन होगा। अब ए थ्री में, ए थ्री में क्या होगा, वन ऑर्डर के वन होंगे एंड थ्री ऑर्डर के दो होंगे। एंड डी थ्री में वन ऑर्डर के वन होंगे, टू ऑर्डर के थ्री होंगे और थ्री ऑर्डर के टू होंगे। तो ये मैंने सबका अलग अलग ऑडी टेबल निकाल लिया है। क्या करते हैं हम, ये दोनों को साथ में निकालते हैं, ये दोनों को कंबाइन करते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए वन ऑर्डर का कितने होंगे, मतलब कैसे निकालना है तो पता ही होगा आपको कि जो लेफ्ट में है ये दोनों का हम एलसीएम देंगे, लेफ्ट वाले का एलसीएम देंगे, देखेंगे एलसीएम किसका वन आ रहा है। तो वन का वन के साथ एलसीएम कितना आ रहा है, वन आ रहा है, बाकी किसका एलसीएम तो वन नहीं आएगा, तो केवल वन ऑर्डर कितने होंगे। तो ये जो ग्रुप है इसका और इसका एलसीएम वन आया है, तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वन है, इसका भी वन है, तो ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वन इंटू वन क्या होगा, वन, तो वन ऑर्डर के वन होंगे। अब टू ऑर्डर के क्यों कौन होंगे, टू को इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, टू आएगा, तो क्या हो गया वन इंटू वन वन हो गया, वन प्लस इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, वन इंटू वन वन हो गया, वन प्लस अब इसके साथ करेंगे, इसके साथ भी एलसीएम आएगा टू, तो वन इंटू वन वन, टोटल कितने होंगे थ्री, इसको मतलब डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, इसको होंगे थ्री, और कोई पॉसिबल तो है नहीं, तो इसमें वन ऑर्डर के वन हो गया, टू ऑर्डर के थ्री हो गए, तो ये जो इधर का ग्रुप कंबाइन हो गया। अब हम इसका निकाल लेते हैं, वन ऑर्डर कितने होंगे, सेम वे में देख लीजिएगा आप, तो वन होंगे, टू ऑर्डर के कितने होंगे, एक इसका हो गया, देखिए इसमें टू ऑर्डर का सिर्फ एक ही केस हो रहा है, टू और वन, मतलब टू और वन का अगर एलसीएम लेंगे तो केवल टू आएगा, बाकी कोई केस तो राइज हो नहीं रहा है, तो क्या हो गया वन इंटू वन वन, तो वन होंगे। बाकी थ्री ऑर्डर कितने हो जाएंगे, थ्री ऑर्डर के यहाँ एक केस है, वन वन और थ्री का अगर एलसीएम लोगे तो आप आएगा थ्री, तो कितने होंगे टू इंटू वन टू, तो मतलब ये हो गया हमारा, और तो होगा नहीं, यानी एक और हो सकता है फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, एक और हो सकता है सिक्स, थ्री इंटू सिक्स, थ्री इंटू टू क्या होगा सिक्स होगा, तो सिक्स ऑर्डर के ग्रुप कितने होंगे, देखिए ये दोनों का एलसीएम सिक्स हो रहा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू वन इंटू टू टू होंगे। तो ये जो मेरा हो गया पूरी टेबल ये दोनों का। अब क्या करते हैं, इसको हम कमान करते हैं इसके साथ, देखिए निकालना मुझे वन ऑर्डर कितने हो जाएंगे, देखिए वन होंगे, वन ऑर्डर के तो वन ही होंगे, इसमें कोई ऑब्वियस सिस्टम से कोई ट्रिवियल ग्रुप होता कोई दिक्कत नहीं होने वाला। टू ऑर्डर के देखते हैं, टू ऑर्डर का मतलब टू का करेंगे पहले इसके साथ, फिर करेंगे इसके साथ, फिर करेंगे इसके, मतलब टू ऑर्डर के एलसीएम कौन कौन सकते हैं, देखो टू वन, दूसरा होगा वन टू, दूसरा होगा टू टू, ये तीनों पॉसिबल है, और कुछ तो पॉसिबल होगा नहीं, तो इसमें क्या होगा टू कॉमा वन, मतलब वन प्लस वन कॉमा टू थ्री प्लस एंड टू कॉमा टू थ्री, टोटल कितने होंगे तीन तीन छः सात, मतलब टोटल सेवन होंगे, इसको डायरेक्ट लिख दो सेवन। अब निकालेंगे थ्री ऑर्डर के, सेम वे में क्या हो जाएगा थ्री वन वन थ्री एंड थ्री थ्री, देखिए
थ्री वन मतलब टू प्लस टू प्लस सॉरी फोर, टोटल कितने होंगे एट। अब आते हैं सिक्स ऑर्डर में, देखिए सिक्स ऑर्डर कौन कौन पॉसिबल है। इसका लेंगे एलसीएम शब्द क्या हो जाएगा टू प्लस, इसका करेंगे इसका क्या हो जाएगा सिक्स प्लस, अब इसका करेंगे इसके साथ तो टू इंटू टू फोर प्लस, और किसके साथ आ रहा है इसका तो हो गया सबके साथ। अब देखते हैं इसका, इसका करेंगे हम इसके साथ, इसका करेंगे थ्री कॉमा टू तो क्या हो जाएगा टू इंटू थ्री सिक्स, और कोई है इसका करेंगे इसके साथ टू कॉमा थ्री तो मतलब टू इंटू वन हो जाएगा, और कोई तो पॉसिबल है नहीं। तो टोटल कितने होंगे छः चार दस एंड छः दस मतलब टोटल कितने होंगे बीस हो गए मेरा ये दोनों का। अब लास्ट मेरा बचा हुआ है इसका और इसका निकालना, इससे मिस्टेक नहीं होगा इससे स्टूडेंट्स, इससे मिस्टेक नहीं होगा, इससे मिस्टेक चांस बहुत बहुत कम हो जाती है और बहुत आसानी से निकल जाती है, मतलब एक भी केस आपका छूटेगा नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे निकालते हैं हम, यहाँ पे हम निकालते हैं ये दोनों का। वन ऑर्डर का तो वन ही होगा इतना तो क्लियर है, टू ऑर्डर का देखिए टू ऑर्डर क्या क्या होगा, टू ऑर्डर के ये टू टू कॉमा वन होगा क्या हो जाएगा थ्री प्लस वन कॉमा टू प्लस सेवन प्लस 21 मतलब टोटल कितने हो गए 31, तो आप लिखो राइट 31। अब थ्री ऑर्डर का देखिए, थ्री ऑर्डर क्या इसमें, इसमें तो पॉसिबल नहीं है तो 1 कॉमा 3 मतलब 8 हो जाएगा केवल। अब देखेंगे सिर्फ सिक्स ऑर्डर का, सिक्स ऑर्डर का कौन कौन होगा तो वन के साथ तो क्या बनेगा, वन के साथ सिर्फ ए बनेगा तो क्या हो जाएगा 20 प्लस। अब टू के साथ देखते हैं, टू का वन का एलसीएम टू, टू और टू का एलसीएम टू, टू और थ्री का एलसीएम सिक्स तो मतलब 24 टोटल यहाँ पर हो जाएगा आपका 24 प्लस। अब ये क्लियर हो गया टू और थ्री का हो गया, अब टू और देखेंगे सिक्स का इसलिए टोटल 60, तो ये कितने होगा टोटल, टोटल होंगे 104 तो आप डायरेक्ट लिखो यहाँ पे 104। तो ये आपका कंप्लीट ओडी टेबल कंप्लीट हो गया है, ऐड करोगे तो क्या आएगा 144। तो ये जो हुआ आपका कंप्लीट ओडी टेबल बिना किसी मतलब बिना किसी मिस्टेक आसानी से आप इसको कर सकते हो। अगर आप इसमें क्या करोगे ना, आप इसका परमोटेशन से इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ऐसा बहुत सारा केस बन जाएगा, और केस बनेगा तो चांसेस है कि कोई क्वेश्चन छूट जाए, और अगर मिस्टेक हो छूट जाएगा तो डेफिनेटली मिस्टेक तो होना ही है। तो आप इस प्रोसेस से करो, आपका इस प्रोसेस से कोई मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगा, तो 5 मिनट लगेगा लेकिन बनेगा तो सही बनेगा। तो दिस इज द राइट प्रोसेसर, आई होप आप इसको ट्राई करो, आप कोई भी और बड़ा ग्रुप लेके देखो आराम से सॉल्व कर सकते हो। आप इसमें इसी में चेंज कर सकते हो, देखिए आप क्या करना, आप यहाँ पे थ्री ले लेना और यहाँ पे फोर ले लेना, इसको थ्री रहने दो, यहाँ पे ले लेना फाइव, यहाँ ले लेना थ्री। तो आप प्लीज़ फ्रेंड इसका आप एज अ होमवर्क मुझे आप ओडी टेबल बना के बताओ क्या आएगा, कितने ऑर्डर आएंगे आप मुझे ये बताओ, दिस इज योर होमवर्क। अगर आप सीख गए हो तो आप प्लीज़ इसको ट्राई करना, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।